220 not सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फुल यूनिफॉर्म पे हूँ। उसके साथ आज से मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे, तो मैं आप सभी को अपना कॉलेज का नज़ारा भी दिखाऊंगा। तो उसी के साथ आज है नेशनल स्पोर्ट डे, और उसके साथ आज वहाँ पर स्पोर्ट होगा आई थिंक 12:30 ऐसे को, तो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो अपना PG पे है, और उसके साथ है अपना ये ब्रदर, बोले तो सेम टाइटल। तो अभी हम दोनों साथ में जाएंगे और ब्रदर ड्राइव करेंगे और मैं व्लॉग बना के जाऊंगा। तो चलते हैं। और गाइस, एक कुछ खबरी है कि ना, मैं तो कहाँ पे रह रहा हूँ आप सभी को पता है, 0। और यहाँ का क्या है कि नज़ारा काफ़ी सुंदर देखने को मिलते, भाई क्या ही बोलेगा। और पीछे पे मेरा जो कि कैमरा बैग, आज नेशनल स्पोर्ट डे है तो हम लोग डिपार्टमेंट को क्या है कि फ़ोटो वीडियो शूट करना है, तो उसी के चलते मैं कैमरा लाया हूँ। तो देख सकते हैं गाइस। और गाइस, जो रास्ता से हम क्लास जाते हैं ना, वो रास्ता का आगे क्या ही बोलते हैं, काफ़ी फ्रेश बना आता है। तो आगे मैं आप सबको दिखाऊंगा। ये मेन रोड, इधर से हम घुसेंगे। और गाइस, कमेंट में बताना फुल यूनिफॉर्म में अपना भाई कैसा लग रहा है। गाइस देख सकते हैं, ये है नज़ारा, चारों तरफ दाएं बाएं पूरा बगन ही बगन, कितना खूबसूरत है भाई, एकदम फ्रेश फील करते हैं। लेकर कॉलेज तक आई थिंक 2.5 किलोमीटर दूर होगा। और ये है अपाटने का, आई थिंक कौन सा विलेज है उसको तो पता नहीं, लेकिन ये एक विलेज माना जाता है। ये अंदर में 3 विलेज है, नाम तो मेरे को नहीं पता। तो देख सकते हैं, ये है अपाटने का हाउस, आपको इसे देखने को मिलेगा। कंपेयर टू अपना सेप्पा का घर, इन लोग का बहुत ही कुछ अलग देखने को मिलता है। देख सकते हैं, छोटा छोटा हो गया दूसरा। यह है अपाटनी विलेज। चुका है और आपको कॉलेज का एंट्री पॉइंट ऐसे देखने को मिलेगा। तो और आगे जाकर देखते हैं, और उसके साथ अपना क्लासरूम का फ्लोर ये है। तो गाइस, हम पहुंच चुका है उसके साथ, यहाँ पर देख सकते हैं पार्किंग प्लेस। उसके साथ ये जो लाइन है ना, ये बॉस हॉस्टल, बॉस लोग का हॉस्टल और गर्ल्स लोग का आई थिंक उस तरफ पे है। तो अभी हम जाएंगे क्लासरूम। और गाइस, क्या है कि यहाँ पे मोबाइल एलो नहीं है, फिर भी मैं चुपके से आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। क्लासरूम सबसे टॉप में है भाई,
हमेशा 3 सीढ़ियाँ पार करना पड़ता है, उसके साथ पुरान फ्रेश हो जाते हैं। इस तरफ से जाएंगे अपना भाई का क्लासरूम। ये है सेकेंड ईयर और उसके साथ उधर पे है फर्स्ट ईयर, तो अपना भाई फर्स्ट ईयर इधर पे पढ़ रहे हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपना क्लासरूम पे आ चुका हूँ, उसके साथ मैं आप सभी को अपना क्लासरूम का नज़ारा दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, ये है अपना डिपार्टमेंट और ये है अपना लालू पाजी, इसका भी एक चैनल है, चैनल का नाम बता दो। मेरा चैनल का नाम है लालू राइड के नाम से, RIDE वाला लालू राइडर के नाम से, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और उसके साथ इसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा है, जाके क्लिक करना और अपने भाई को जरूर सपोर्ट करना जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी गाइस माय क्लासमेट, ये है मेरा फ्रेंड, ये सब मेरा फ्रेंड है। तो देख सकते हैं और अपना क्लासरूम में क्या है कि टोटल 15-16 मेम्बर है। उसके साथ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी है और लड़के भी। लालू भाई और गाइस उसके साथ ये है कंप्यूटर लैब जो कि अपना डिपार्टमेंट के लिए है, देख सकते हैं गाइस। यहाँ से नज़ारा आपको इसे देखने को मिलेगा, आज तो काफ़ी गर्मी है। और गाइस यहाँ का मौसम क्या बोलेगा ना, है अभी धूप अभी बारिश, मतलब कि एग्जांपल मान लो कि ये साइड बारिश होगा ये साइड धूप होगा, इसलिए यहाँ का मौसम को नहीं बोल सकते, एनी टाइम बारिश एनी टाइम धूप। और उसके साथ बात को मैं आप सभी को यहाँ का कैंटीन वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाऊँगा, तो तब तक लिए आप ये सिनेमेटिक शॉट को देख लो जो कि अपना कॉलेज का है। उसके साथ मैं आप सभी को दिखाता हूँ अपना ये मास्कॉम डिपार्टमेंट का, ये है क्या बोले ऑफिस रूम, मतलब कि यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करता है कुछ कुछ प्रोग्राम आने से। तो आज भी नेशनल स्पोर्ट डे है, तो हम लोग को वीडियो फोटोग्राफी शूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेटअप है। और उसके साथ ये अंदर में पूरा कैमरा सब कुछ है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इधर पर। और यहाँ पर साउंड सिस्टम भी रिकॉर्ड करता है जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला मुझे। और यहाँ पे और बहुत कुछ सारा देखने को मिलेगा, मैं आप सबको दिखाऊंगा भाई। तो गाइस अभी तो मैं ये कंप्यूटर लैब पे हूँ,
यहाँ पे पूरा हम लोग डिपार्टमेंट का सीनियर उसके बाद जूनियर लोग साथ में बैठा हुआ है और अभी रेडी कर रहा है स्पोर्ट पे जाने के लिए। उधर पे हम करेंगे फोटो वीडियो शूट बोले तो हम लोग का काम ही ये सब करना। तो आज के क्या आप सभी को पता है कि नेशनल स्पोर्ट डे, तो वहाँ पे स्पोर्ट होगा। अभी तो टाइम भी हो गया और यहाँ पे पूरा हम लोग डिपार्टमेंट का सीनियर जूनियर लोग साथ में मिल के हम करेंगे। तो देख सकते हैं कैसे इधर पे मेमोरी कार्ड को कौन कर रहा था? हाँ, हर्ष हर्ष ये लोग सीनियर है और ये है जूनियर, मैं भी जूनियर हूँ। चल रहा ब्रो। तो गाइस अभी हम ग्राउंड पे पहुंच चुका है, तो देख सकते हैं गाइस ये जो प्रोना वाला कॉलेज है यहाँ में कैंटीन वगैरह है और कुछ खाना हो तो हम इधर पे आ जाता है ये। तो गाइस अभी हम ग्राउंड पे पहुंचने वाला है और उसके साथ हम करेंगे वीडियो शूट। और गाइस आप सभी कमेंट में जरूर बताना अपना भाई का कॉलेज कैसा लगा और क्या पता ये ग्रुप ये कॉलेज से भी कोई वीडियो देख रहा हो। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी अगर आप भी ये कॉलेज से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे होगा स्पोर्ट बोले तो बास्केटबॉल खेलेगा ना, तो उधर पे टीम आ रहा है, टीम देख सकते है गाइस टीम। ओके धूप है भाई, देर में स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे है अपना 4K कैमरा भाई, अच्छा से काम करना ब्रो। 4K कैमरा। और यहाँ पे है दूसरा डीजे बॉय, ये छोटा सा एक कैमरा है, यहाँ से करेंगे शूट। और ये है कैनन बॉय बोले तो फोटो शूट करेगा ना। ओके यहाँ पे हो रहा है बास्केटबॉल वर्सेस मैम वर्सेस स्टूडेंट, तो मैं आपसे भी दिखाता हूँ। हमको बुलाती तो यहाँ पर लड़का इधर पर लड़की दो मैच देखते हैं कौन जीतता है गाइस। तो अभी का स्कोर है 220 बट 2 points है हमारा सीनियर्स का, फिर 20 है हमारा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। और यहाँ पे फिर से बहुत सुंदर प्रदर्शन और अच्छा पास, ब्रिलियंट पास एंड सेंड थ्रो एंड 3 points। ओए ओए तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारा स्टूडेंट भी बैठा हुआ है इसके साथ बास्केटबॉल का मजा ले रहे हैं। इधर पे भी है कुछ लोग, इतना गर्मी है भाई क्या ही बोलेगा दे। आज का स्पोर्ट कंप्लीट हो चुका है, ये बास्केटबॉल खेलने जगह और उसका बगल पे है वॉलीबॉल और इसके साथ ये फुटबॉल। तो आज का क्या ही बोलेगा ना, बदन पड़ता गिरे दोनों बात कर करके और धूप तो क्या ही बोलेगा। और ये बेचारा का पता नहीं कुछ गायब हो गया, बेचारा व्लॉग बना बना के क्या गायब हो गया वो नहीं बताया, क्या गायब है मालूम नहीं, पाउच गायब हो गया, पाउच आई डोंट नो पाउच हो गया, उसमें जो डीजे का सामान था डीजे का। 2000 years later. तो गाइस पूरा आदमी चला चुका है, तो अभी मैं भी जाऊंगा अपने पीजी के और फिलहाल तो छुट्टी भी हो गया।
ओके लेट्स गो ये है बॉयज हॉस्टल अभी तो बस जाने और रेस्ट करना है ब्रो और यहाँ पर क्या है कि मैं आप सबको लाइब्रेरी रूम उसके बाद और बहुत कुछ म्यूजिक रूम वगैरह वगैरह दिखाना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला कभी दिन दिखाऊंगा ब्रो